नवरात्र काल की 9 रातें 10 दिन जब शक्ति के 9 रूपों की होती है आराधना, तब शरीर की भीतरी शक्तियाँ होती है उत्पन्न। जानिए शक्ति से देवी का कनेक्शन, ज्योतिषाचार्य आरएस शुक्ला जी की जुबानी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश नवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य आरएस शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत। धन्यवाद। नवरात्र, नवरात्र संस्कृत से लिया एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है 9 रातें, और इन 9 रातें और 10 दिन माँ शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। लेकिन असल में हमारी जिंदगी में नवरात्र का क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य शुक्ला जी से। सर, सबसे पहले तो गुरु और भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए नवरात्रों के इस शुभ अवसर पर हम आपको बताना चाहें, नवरात्रे शक्ति माँ भगवती के पूजा का विधान है। संसार में कोई भी कार्य हो बिना शक्ति के संचालित नहीं होता है। हर कार्य में शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। शक्ति हो तभी संसार का कोई कार्य चलता है। शक्ति का मूल अर्थ जो होता है, जो भावार्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सामर्थ्य। और आप जानते हैं कि बिना सामर्थ्य के संसार में कोई काम नहीं हो सकता है। शक्ति का मतलब है सामर्थ्य, और दुर्बलता अगर किसी को हो जाए तो दुर्बलता सबसे बड़ा अभिशाप है संसार में। दुर्बलता जो है जीवन में प्रत्येक प्राणी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए हमारी माँ भगवती जो है दुर्गा, शक्ति के स्वरूप में यह जो वरदान स्वरूप हमको मिला है, और सभी जानते हैं कि प्रकृति का ही दूसरा नाम शक्ति है, ये शक्ति हमें संसार में नवरात्रों के स्वरूप में 3 प्रकार से मिलती है। माँ भगवती, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, 3 ये शक्तियाँ हैं। इन 3ों शक्तियों के अलग अलग जो हैं वो भाव होते हैं। ये 3ों शक्तियाँ जब हमें विराजमान होती हैं तभी हम संसार के किसी कार्य को कर सकते हैं, जिसका अभिप्राय यही होता है। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण से ये लिया गया। दुर्गा सप्तशती जो हमारा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जिसे हम नवरात्रों में जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसका पाठ करते हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं, ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया। यह जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उससे लिया गया है। तो विशेषतर हम इसको नवरात्रों में इसी का पाठ करते हैं। नौ दुर्गा, नौ देवी, नौ देवियों का हम पाठ करते हैं जीवन में। वैसे तो नवरात्रे जो हमारे आते हैं ये ऋतु परिवर्तन के समय आते हैं। जब ऋतुएं परिवर्तन होती हैं तो शरीर में एक आवश्यक बदलाव होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन 5ों में परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तित होती है तो हमारे शरीर के गुण, धर्म, दोष भी परिवर्तित होते हैं। तो हमारे गुण, दोष, धर्म परिवर्तन होकर के परमात्मा की तरफ अपने को अग्रसर कर सकें, इसलिए हम नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा करते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं कि नवरात्र में माँ के शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करने से इंसान की ना सिर्फ तमाम मनोकामना पूर्ण हो जाती है बल्कि आने वाली विपत्ति भी टल जाती है। लेकिन अब मैं आचार्य जी आपसे जानना चाहूँगी कि 9 दिन हम जब माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर की वो कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो जागृत होती हैं? सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 3 मुख्य शक्तियों की आवश्यकता होती है। पहली है इच्छा शक्ति। संसार का प्रत्येक मनुष्य जब तक उसके अंदर किसी भावना की, किसी की इच्छा नहीं होगी तब तक उस संसार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। और इच्छा शक्ति की जो प्राप्ति, जो हमारी ये प्रकृति है, प्रकृति से हमें जो इच्छा शक्ति मिलती है वो माँ भगवती के महालक्ष्मी स्वरूप से मिलती है। तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति आती है तो हम संसार के किसी काम को करने की सामर्थ्य हमारे अंदर होती है। फिर हमारे साथ दूसरी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। दूसरी शक्ति जो है हमारी महासरस्वती है। महासरस्वती जो शक्ति है उस शक्तियों का भी हमें जीवन में हमारे अंदर क्या होता है, ज्ञान की शक्ति आती है। हमें इच्छा शक्ति तो प्राप्त हो गई पर हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति नहीं है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति नहीं है तो हम उस कार्य को करेंगे कैसे? उसको करने का एक रास्ता जो होता है वो हमें कैसे मिलेगा? उस रास्ते को देने की शक्ति जो होती है वो ज्ञान शक्ति है, और ज्ञान शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती।
इसलिए हमें नवरात्रों में माँ सरस्वती की भी पूजा करने का विधान होता है। और तीसरी है क्रिया शक्ति, हमें इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, ज्ञान शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, पर हमारे अंदर क्रिया शक्ति नहीं है, करने की शक्ति नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए क्रिया शक्ति में शरीर का स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है, हमारा शरीर ठीक रहेगा तभी हम किसी कार्य को समुचित तरीके से कर सकते हैं। तो क्रिया शक्ति की अधिष्ठात्री देवी जो माँ काली हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब तक हम माँ भगवती की आराधना ही नहीं करते हैं तो ये तीनों शक्तियाँ हमें नहीं प्राप्त हो सकती है, न तो हमें इच्छा शक्ति प्राप्त होगी, न क्रिया शक्ति प्राप्त होगी, न ही ज्ञान शक्ति प्राप्त होगी। तो इन तीनों शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हम माँ भगवती की नवरात्रों में 9 दिन पूजा करते हैं। नवरात्र का जैसा शाब्दिक अर्थ आप सभी समझते हैं कि नवरात्रि माँ भगवती की पूजा करें तो आपको ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों का विशेष स्वरूप होता है, हमें चाहिए शक्तियों को प्राप्त करने के लिए चेतना। चेतना बहुत अनिवार्य है, जैसे हम सोते हैं तो अचेतन मन हो जाता है, हमारे मन को चेतना में रखना बहुत अनिवार्य है। चेतना भी हमारी जागृत हो और उसमें हमारा बुद्धि ठीक काम करे, चेतना तो सबकी जागृत हो जाती है पर बुद्धि ठीक ना हो, इसलिए हम बुद्धि को ठीक करने के लिए माँ भगवती के दूसरे स्वरूप की पूजा करते हैं। तीसरा है स्मृति, स्मृति हमें ध्यान भी रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूजा करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, माँ भगवती की आराधना करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किन किन बातों का हमें विशेष एहतियात रखना है, वो जरूरी होता है। इसलिए हम माँ भगवती के तीसरे स्वरूप की पूजा करते हैं। चौथा स्वरूप है धृति, और धृति स्वरूप में माँ भगवती का है अपने मन को एकाग्र करना। और उसके बाद पाँचवा जो स्वरूप माँ भगवती का है वो कहते हैं शक्ति। अब शक्ति हो, हम पूजा करने के लिए बैठ गए और हमें पूजा करने के लिए शक्ति नहीं है, बैठ नहीं सकते हैं, तो बैठने के लिए कि हमारे यहाँ धर्म का तो सबसे पहला वैसे नियम है जितो आसन, आसन जिसका ठीक है, बैठने में आसन एकाग्र हो वही जीवन में क्या कहते हैं कामयाब हो सकता है। उसके बाद श्रद्धा, अब ये सब काम आप कर रहे हैं और आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा बहुत जरूरी क्योंकि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है कि धर्म में श्रद्धा का होना, प्रेम का होना, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये जीवन में भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति का सबसे बड़ा मूल भाव है श्रद्धा, ये माँ भगवती के उस पांचवें स्वरूप से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद आता है कांति, कांति कहते हैं शरीर की चमक, शरीर में जो एक अलग प्रकार से जो सम्मोहन होता है वो जरूरी होना बहुत जरूरी होता है, वो भी माँ के हमें छठवें स्वरूप से हमें प्राप्त हो जाता है। ये सब मिल गया और आपके अंदर दया नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दया संसार का बहुत बड़ा धर्म है, दो ही धर्म तो सबसे अच्छे हैं, एक दया और दूसरा परोपकार। परोपकार ये भी बहुत बड़ा धर्म है हिंदू धर्म में, भारतीय दर्शन में, सनातन धर्म के इस स्वरूप में दया और कहते हैं परोपकार को सबसे बड़ा माना गया है, जो माता भगवती के आदि स्वरूप की पूजा करने से ही प्राप्त होता है। हमारे मन जो हैं ठीक रहेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा भी होगी, दया भी होगी, प्रेम भी होगा और विश्वास होगा, तो जब हम चारों शक्तियाँ प्राप्त होंगी तो माँ भगवती की कृपा होगी, और माँ भगवती की कृपा होगी तो हम संसार के सारे कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हमने ज्योतिषाचार्य शुक्ला जी से जाना कि किस तरह से नवरात्रों में हम जब नव दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो हमारे भीतर की जो शक्तियाँ होती हैं ये वो तमाम शक्तियाँ हैं जो जागृत होती हैं। तो इस नवरात्र आप भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ माँ की पूजा अर्चना कीजिए, और इसी तरह हम नवरात्रि पे आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लाते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नवरात्रि के दौरान इन खास बातों का रखे ध्यान। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है, और इस पूजा के दौरान अगर आप मामूली बातों को 9 दिनों तक माने तो आप पर माँ की असीम कृपा बनी रहेगी। नवरात्रि के दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहार ना खाएं, और घर के बाकी सदस्यों के लिए भी ना बनाएं। शराब और तंबाकू से भी दूरी बनाएं। नाखून, बाल शेव ना करवाएं। इस दौरान बच्चों का मुंडन भी ना करवाएं। व्रत भूखा रहने का नाम नहीं है बल्कि मन को शांत रखने का एक जरिया है, इसलिए व्रत के दौरान गुस्सा ना करें और झूठ ना बोलें। मन को शांत और जुबान पर अच्छे शब्द रखें। नवरात्रि के दौरान सूरज उगने से पहले उठें और ढलने के बाद ही सोएं, यानी दिन में ना सोएं। जिन लोगों ने भी घर में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जला रखी है वो घर में ताला ना लगाएं और ना ही घर को अकेला छोड़ें। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत के दौरान अनाज और मसालों से दूर रहें। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबुत दाना, मेवे, फल और दूध से बनी चीजें ही खाएं। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें।
सुबह और शाम की पूजा के दौरान अच्छे मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मान्यता है कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन ना कर पाए तो व्रत रखने के बजाय सिर्फ नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन ही करें।